आज हम प्रकृति मैदान में आए जब एग्जीबिशन लगी पूरी मशीन की। सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुभाष मिश्रा है और मैं युवासा ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और इस बार हम एमटेक्स में इंसू मशीन्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और हमारे ठीक पीछे इंसू की एचएमसी मशीन्स लगी हुई है जो मॉडल है G480H। अच्छा, ये मशीन जनरली ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं हम। अच्छा। और आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं, ये फ्यूल चेंज हो रहा है और इस टाइप के ऑपरेशन है इसमें। अच्छा, ये सर किस मटेरियल पे काम करती है? हाँ, ओके, किस मटेरियल पे काम करती है? ये अल्मोनियम पे काम करेगी, आपकी कास्ट आयरन पे काम करेगी। अच्छा, और कितना हॉर्स पावर तक की इसकी कैपेसिटी है? इसका 37 किलोवाट पावर है मोटर का और आप ये सारे कंपोनेंट हम इस पे बनाते हैं। अच्छा, ये इसका मीटर है ऑपरेट करने के लिए? हाँ, ये फानुक का कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं इसमें, फानुक का लेटेस्ट मॉडल है ये 31 IB+। अच्छा, पूरी कंप्यूटराइज है? हाँ, पूरी कंप्यूटराइज। इसमें डायग्राम आप बनाते होंगे, फिर ऑटोमेटिकली काम करती होंगी? हाँ, इसमें हम CNC प्रोग्रामिंग करके अपलोड करते हैं। अच्छा, और वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से मशीन अपना कटिंग करते हैं। फिर सिलेंडर, सर ये क्या है बताइए जरा? ये इंजन के पार्ट्स है। अच्छा, ये इंजन का सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये ट्रांसमिशन केस है, ये वॉल बॉडी है, नकल है, डिफरेंशियल केस है और डिफरेंशियल कैरियर है। तो ये सारे कंपोनेंट हम इस पे बना सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से हम इसको पैलेट बोलते हैं और यहाँ पे हम अपना पार्ट को लोड करते हैं। अच्छा, एक बार हमने पार्ट लोड कर दिया, ये वापस घूम के अंदर जाएगा। अच्छा, और अंदर मशीनिंग होगा, उसी टाइम में हम दूसरा पार्ट इधर लाके फिर से लोड कर सकते हैं। अच्छा, ये अब तैयार है या अभी वर्क होने के लिए? हाँ, ये वर्क होने के लिए तैयार, उधर वर्क हो रहा है। अच्छा, ये वर्क होने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी उधर जो पैलेट है उसपे का जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोटेट होके ये डोर बंद होगा, ये रोटेट होगा और ये उधर चला जाएगा। ये मशीन, ये हमारी दूसरी मशीन है, ये VMC मशीन है, मॉडल है SB130। अच्छा। इस मशीन का खासियत यह है कि इसका स्पिंडल का जो RPM है वो 50,000 है। 50,000 RPM है। अच्छा, स्पिंडल RPM। और ये मशीन जनरली यूज होता है घड़ी के कंपोनेंट पार्ट्स बनाने में। अच्छा, ज्वेलरी बनाने में, छोटे छोटे बारीक पार्ट्स बनाने में, मेडिकल इम्प्लांट्स में, या फिर कॉपर का कोई छोटा सा बारीक पार्ट हो तो उसके लिए हम ये मशीन यूज करते हैं। अच्छा, ये मशीन का टूल चेंज का प्रोसेस है, इसमें 12 से 21 टूल तक हम लगा सकते हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है और इसमें वेरियस टाइप का ऑपरेशन करते हैं। और ये इसका मीटर, ये इसका कंट्रोलर करता है? हाँ, ये इसका कंट्रोलर है, Mitsubishi का कंट्रोलर है इसमें। और ये भी फुली कंप्यूटराइज है? ये भी फुली कंप्यूटराइज, इसमें भी आप प्रोग्रामिंग करके हम डाल देंगे, ऑटोमेटिकली वर्क करती है जी। और कितना कैपेसिटी इस मशीन का? कैपेसिटी लाइक किस सेंस में? हॉर्स पावर है इसका? किलोवाट पावर है 5.5 किलोवाट। अच्छा, पावर। तो आपकी कंपनी कहाँ पर स्थित है बता सकते हैं? ये हमारा ऑफिस गुड़गांव में है। अच्छा। गुड़गांव MG रोड में हमारा ऑफिस है। हाँ। और हम इसके अलावा और भी मशीन से जिसमें हम डील करते हैं वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये हमारे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है मिश्री हाईटेक और इसमें हम बहुत से बारीक पार्ट को ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे पिंस है, इसकी भी ग्राइंडिंग हम हाई एक्यूरेसी में कर सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। इसके अलावा हम ये जो आप चिप देख रहे हैं मदरबोर्ड वगैरह में यूज करते हैं हम, जी जी हाँ, तो इसकी भी ग्राइंडिंग हम इस मशीन पे कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही स्पेशल पर्पस मशीन है और बहुत ही प्रिसाइज मशीन है। मशीन की क्वालिटी ये है कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा और छोटा से छोटा पार्ट हम इस पे ग्राइंड कर सकते हैं बिना फाइन होगा, बिल्कुल फाइन होगा।